हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आज हम ईद स्पेशल शीर कुर्मा बनाने वाले हैं, जो ना खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और एकदम फटाफट बनकर भी रेडी हो जाता है। तो चलिए ईद स्पेशल शीर कुर्मा बनाना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, शीर कुर्मा बनाने के लिए सबसे पहले ना मैंने 1 लीटर दूध को जो है गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। तो ये देखिए, तो इसे आपको ना बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहना है, क्योंकि नहीं तो दूध ना नीचे से कई बार चिपक जाता है। तो इस तरीके से जो है ना हम इसे चलाते रहेंगे। आजू बाजू जो मलाई भी जमती है ना, उसे भी हम निकाल के दूध में मिक्स करते जाएंगे, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो बस इस तरीके से ना, ये देखिए दूध में ना बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। तो बस इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी इलायची पाउडर से और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये देखिए दूध में अच्छा बॉयल आने लगा है। तो अब मैं फ्लेम को स्लो कर दूंगी और इसे ना अभी हम पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर ही इस तरीके से। तो ये जब तक पक रहा है, तब तक मैं साइड में ही ना मैंने एक दूसरा पैन चढ़ा दिया है और एक बड़ा चम्मच मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है। तो घी देखिए मेल्ट होने लगा है। तो इसके बाद अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं। तो ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। इसमें मैंने जो पिस्ता, काजू और बादाम मैंने 12-12 ले लिए थे, और चिरौंजी मैंने आधा टेबल स्पून ली थी, 2 मैंने सूखे खजूर ले लिए थे। तो इन सभी चीज़ों को ना मैंने रात भर भिगो दिया था और फिर उनके छिलके निकाल कर मैंने इन्हें लंबा लंबा कट कर लिया है। और मैंने किशमिश भी ना 10-12 ले ली थी, तो उसे भी अच्छे से वॉश करके मैं घी में जो है डाल देती हूँ इसमें। तो अब मैं ना इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही हम जो है इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट्स भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो तो आप अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं मीडियम फ्लेम पर ही ना इन्हें अच्छे से फ्राई कर लूँगी। आप इसे चलाते हुए अच्छे से फ्राई करें, क्योंकि हमें इन्हें बिल्कुल भी जलने नहीं देना है। बस ये हल्के हल्के से फ्राई हो जाएँ, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी इसमें से। तो ये देखिए, किसमें से एकदम ना फूली फूली आपको अलग दिखने लगेंगी। तो बस उतना ही हमें इन्हें फ्राई करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट में ही ना ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो बस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हम इन ड्राई फ्रूट्स को, दूध जो हमारा पक रहा है, हम उसे इनमें डाल देंगे। तो ये देखिए, घी के साथ ही मेरे सारे ड्राई फ्रूट्स दूध में ऐड कर देती हूँ। तो ये देखिए, और बस इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं अभी। सो फ्रेंड्स, ये देखिए ड्राई फ्रूट्स को हमने दूध में अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो ये देखिए, ये जब तक पक रहे हैं, तो अब मैं क्या करूँगी, हमने जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे ना, सेम उसी पैन में मैंने 1 छोटा चम्मच घी और ऐड कर दिया था। और फिर इसके बाद मैंने ये लगभग 20 ग्राम के करीब मैंने सेवइयाँ ले ली हैं। तो ये वैसे भुनी हुई सेवइयाँ थी, लेकिन इन्हें घी में थोड़ा सा हम और रोस्ट कर लेंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा हमारे शीर कुर्मा में। तो बस इन्हें भी हम जो है ना मीडियम फ्लेम पर ही हल्का हल्का भून लेंगे। तो मैंने ना सेवइयों को बारीक बारीक तोड़ लिया था, और बस इसे अच्छे से ना मिक्स करते हुए, हम चलाते हुए इसे हम अच्छे से भून लेंगे। तो बस 1 मिनट में ही लगभग जो है ये अच्छे से भून जाएंगे। और फ्रेंड्स, सेवइयों की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए सेवइयाँ बहुत ही अच्छे से भून चुकी हैं। तो बस इससे ज़्यादा हमें इसे बिल्कुल भी नहीं भूनना है। तो बस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सेवइयों को भी हम जो है दूध में डाल देते हैं। तो सेवइयों को भी दूध में डाल के और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद ना मैं इसमें जो है 1/2 कप कंडेंस मिल्क ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप इसकी जगह शक्कर भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। बट कंडेंस मिल्क डालने से ना बहुत ही क्रीमी सा हमारा शीर कुर्मा बनकर रेडी होता है और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो आप चाहें तो कंडेंस मिल्क यूज़ करें या शक्कर यूज़ करें। तो बस इसे मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद मैं 1 पिंच के करीब इसमें केसर ऐड कर दूँगी।
इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट और बहुत ही अच्छा हमारा जो शीर खुरमा है दिखने में अच्छा दिखेगा। तो बस इसे मिक्स करके ना अब हम जो अपने शीर खुरमा को 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए इसमें बॉयल अच्छा आ चुका है, अभी मीडियम फ्लेम करके इसे जो है पकने देते हैं। सो फ्रेंड्स अभी 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, तो ये देखिए शीर खुरमा हमारा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। फ्लेम में ऑफ कर दूंगी, तो बस इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। सो फ्रेंड्स शीर खुरमा बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फटाफट बनकर रेडी हो जाता है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। तो चलिए अभी हम इसे जो है डिश आउट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स ईद स्पेशल शीर खुरमा बनकर बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी बना था और एकदम बहुत ही फटाफट बनकर रेडी हो जाता है, तो आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। सो फ्रेंड्स बस लास्ट में अब मैं क्या करूँगी, इसमें कुछ बादाम और पिस्ते के साथ में इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ और ऊपर से थोड़े से मैं जो है इसमें केसर रख दूंगी, जिससे ये दिखने में बहुत ही सुंदर दिखने लगेगा। तो ये देखिए हमारा शीर खुरमा बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।